आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे सबसे पहले गोल गोल सन चाचू दिखाई दिए। उसके बाद जब मैं नहाकर अपनी यूनिफॉर्म पहनने लगा तो मुझे गोल गोल बटन मेरे हाथ में आए। उसके बाद जब मम्मा ने मुझे ब्रेकफास्ट दिया तो गोल गोल चपाती मम्मा ने मुझे दी। उसके बाद जब मैं स्कूल जाने लगा तो पापा ने मुझे गोल गोल कॉइन दिया मेरी पॉकेट मनी के लिए। फिर जब मैं स्टॉप पे पहुंचा तो स्कूल बस आई गोल गोल पहियों पर चलकर। और उसके बाद जब मैं स्कूल पहुंचा तो स्कूल के सामने ही मुझे गोल गोल घड़ी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था आज पूरी दुनिया ही गोल है। और कोइंसिडेंस देखिए, जब मैं स्कूल पहुंचा, क्लास में पहुंचा, तो मेरी मैम ने मुझे जो टॉपिक शुरू कराया, मुझे जो टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया, वो भी क्या था, सर्कल। तो उन्होंने मुझे सर्कल के बारे में डिटेल से आज सिखाया, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन। सर्कल इज़ अ पाथ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो सपोज आप एक पॉइंट पे खड़े हैं और बहुत सारे पॉइंट आपसे इक्वल डिस्टेंस पर हैं और उन सारे पॉइंट्स को जॉइन करें तो एक सर्कल बनेगा। और जो आप फिक्स पॉइंट पे खड़े हैं उसको क्या बोलेंगे, सेंटर। सो सेंटर इज़ द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सर्कल। देन मैम ने बताया कि हमारे पास सर्कल ड्रॉ करने के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज़ बाय यूजिंग कंपास। कंपास का यूज़ करके हम अपनी कितना भी सर्कल बड़ा या छोटा ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस, अकॉर्डिंग टू अवर नीड। एंड सेकेंड मेथड इज़ बाय यूजिंग अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। हमारे घर में कोई भी सर्कल वाली चीज़ हो उसको यूज़ करके भी हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैम ने हमें और भी बहुत कुछ बताया सर्कल के बारे में। उन्होंने बताया व्हाट इज़ रेडियस एंड व्हाट इज़ डायमीटर इनसाइड द सर्कल। तो रेडियस इज़ द लाइन सेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर एंड एंड एट द सर्कल। तो क्या होती है रेडियस, लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर से स्टार्ट होके सर्कल को टच करती है। और डायमीटर इज़ द लाइन सेगमेंट पास थ्रू द सेंटर एंड हैविंग एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जैसे अभी फिगर में देखते हैं तो लाइन सेगमेंट जिसका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है उसे कहते हैं। तो रेडियस का स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर से सर्कल और डायमीटर दोनों के एंड पॉइंट सर्कल पर ही होते हैं। अब मैम ने सिखाया कि रेडियस और डायमीटर के बीच में एक रिलेशन होता है और वो क्या होता है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू नो कि डायमीटर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस, इट इज़ ऑलवेज डबल ऑफ द रेडियस। या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं रेडियस इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर। यहाँ पर मैंने फॉर्मूले से भी शो किया, D is for diameter and R is for radius। और ये फिगर से तो मुझे और भी जल्दी से समझ आया। अब हम और आगे बढ़े तो हमें मैम ने कुछ नई बातें बताई। मैम ने बोला कि सर्कल की बाउंड्री को भी हम एक स्पेशल नाम से कॉल करते हैं। लेंथ ऑफ द कंप्लीट बाउंड्री इज कॉल्ड इट सर्कमफ्रेंस। और मैम ने एक फिगर भी बना के दिखाई और एक एग्जांपल दिया कि जैसे आपकी मम्मा की बेंगल है, वो बेंगल अगर जुड़ी हुई है मतलब वो टूटी नहीं है तो वो क्या है, कम्प्लीट बाउंड्री सर्कमफ्रेंस है। मगर अगर वो टूट जाए बाई चांस तो उसके टू हिस्से हो जाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो पार्ट होंगे बाउंड्री के वो क्या होते हैं, आर्क्स होते हैं। जो स्मॉल पार्ट होगा उसको हम कहते हैं माइनर आर्क, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है येलो वाला पार्ट। और जो बड़ा पीस होगा वो क्या होता है, मेजर आर्क, एज यू कैन सी बाय द ब्लू पार्ट इन द फिगर। नेक्स्ट मैम ने हमें सिखाया नया टॉपिक जो कि क्या था, सेक्टर ऑफ सर्कल। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, इसमें तो एग्जांपल भी इतने अच्छे थे कि हमें बहुत मज़ा आया। तो सेक्टर होता क्या है, इट इज़ अ पोर्शन एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ दैट सर्कल। दो रेडियाई और आर्क के बीच में जो पोर्शन होगा वो ही क्या होगा, सेक्टर होगा। जैसे मैम ने एग्जाम्पल लिया तो मेरे मुँह में पानी आ गया। उन्होंने
ने बोला एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा लेंगे हम और उसका एक पीस अगर हम खा लें तो वो एक पीस ही क्या है, सेक्टर है, और बचा हुआ पिज़्ज़ा भी सेक्टर है, बट जो छोटा पीस आपने खाया वो माइनर सेक्टर है और जो बचा हुआ पिज़्ज़ा है वो मेजर सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैंने पिज़्ज़ा ही खा लिया हो। फिर क्वाड्रेंट के बारे में मैम ने बताया, क्वाड्रेंट भी रेडियाई और आर्क से ही बनता है, बट रेडियाई में एक स्पेशल बात होती है कि वो आपस में राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इफ़ टू रेडियाई आर एट राइट एंगल टू ईच अदर देन द सेक्टर विल बी कॉल्ड क्वाड्रेंट, जैसे कि फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए तो स्पेशली स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा ही लेते हैं, क्योंकि स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एक पार्ट अगर हम निकाल लें तो वो एक छोटा पार्ट ही क्या है, क्वाड्रेंट है। यानी कि एक सर्कल को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। नेक्स्ट हमने सीखा सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी का मीन्स मैम ने बताया हाफ, तो हमें वैसे ही समझ आ गया कि अगर हम एक पूरे सर्कल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें तो ईच पार्ट क्या होगा, सेमी सर्कल। बट उसे डिवाइड करता कौन है, अ डायमीटर डिवाइड अ सर्कल इंटू 2 इक्वल हाफ एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल एज यू कैन सी इन द फिगर। और आपने अपनी गाड़ी में ऑडोमीटर भी देखा होगा, वो भी कैसी शेप का होता है, सेमी सर्कल शेप का होता है। तो एग्जांपल से तो हमें सारी चीज़ें इतने अच्छे से क्लियर हो गई कि हमें बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लास्ट टॉपिक मैम ने हमें बताया सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब ये सेगमेंट क्या होता है, तो सेक्टर तो रेडियाई की वजह से बने थे, मगर जो सेगमेंट है वो किसकी वजह से बनता है, कोड की वजह से बनता है। अ कोड डिवाइड अ सर्कल इंटू 2 अनइक्वल पार्ट। डायमीटर तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था तो सेमी सर्कल बने, बट कोड जो है वो उसे अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो जो स्मॉल एरिया होगा वो माइनर सेगमेंट होगा और जो लार्ज एरिया होगा वो मेजर सेगमेंट होगा। आई होप यू ऑल गेट द नॉलेज ऑफ सर्कल एंड इन्जॉय दिस टॉपिक।